आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक इंडस्टर एकेडमी में एक बार फिर और जो तलबा व तालिबात जामिया मिल्ले इस्लामिया के बीए ऑनर्स उर्दू के एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको सब्जेक्टिव क्वेश्चन की यानी जवाब की ज़रूरत है कि उनको क्या लिखना है और कैसे लिखना है तो उस पर हम वीडियो बना रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं और प्रीवियस वीडियो अगर किसी ने ना देखी हो तो वो देख लीजिएगा लेकिन अगर हम बात करें उसकी क्लासेस की तो हमारे ऐप पर भी क्लास चल रही है और एक क्लास चौदह फरवरी से शुरू होने जा रही है तो अगर आप उस क्लास में इनरोल होना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर नाइन जीरो फ़ोर फाइव डबल टू जीरो फोर थ्री टू पर रबता करके या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं आप और उसमें अपना नाम और जिस कोर्स में आप इनरोल होना चाहते हैं उस कोर्स का नाम ये और अपने स्टेट का नाम ये चीज़ें लिखकर भेज दीजिएगा तो आपको इनरोल कर दिया जाएगा और मज़ीद जानकारी के लिए वहीं पे आपको बता दिया जाएगा तो इसी तरीके से जैसे हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहे हैं हमने गज़ल पे कराया और मज़ीद टॉपिक पे कराया इसी तरीके से आज का हमारा टॉपिक है दास्तान तो दास्तान पे दास्तान पे भी सवाल आ सकता है तो दास्तान पे आपको किस कितना लिखना है और कैसे लिखना है इसके लिए जो है आप यहाँ से देख सकते हैं दास्तान की तारीफ दास्तान से मुराद वो किस्सा है जिसकी फ़िज़ा तलसमी वाक़ात गैरमामूली माहौल तख्लिकती शख्सियात अजीब व गरीब और माफोकफितनासर उसकी कसर से हों के पूरा किस्सा आदमी को वर्ता हैरत में डाल दे इस तरह दास्तान कई क़्सों पर मुश्तमिल होती है दास्तान का तारीख़ी पस मंजर इंसानी ज़िंदगी में ना सिर्फ़ आज के ज़माने में बल्कि कदीम ज़माने में भी इंसान के तफरी के लिए वक्त निकाला है तफरी से वक्ती सुकून हासिल होता है और इंसान अपनी तकालीफ को भूल कर ज़रा देर के लिए वो ऐसी दुनिया में पहुँच जाता है जहाँ पर उसे जहनी सकून मैसर होता है इंसान ने जब शौर की दुनिया में कदम रखा तो गैर शोरी तौर पर तफरी का जो अंसर उसकी ज़िंदगी में दाखिल हुआ दास्तान के दौर में हर तरफ जागीर दाना निज़ाम राइज था और हर शख्स के पास तफरी के लिए बहुत सा वक्त दरकार होता था जिसकी वजह से उनके पास तफरी के जो जराए थे वो कम पड़ गए तो इस दौर के लोगों ने तफरी के लिए दास्तान का सहारा लिया और तमाम दास्तानों का मकसद लोगों को तफरी फराहम करना था इंसानी जिंदगी में सबसे पहले कहानी उसके बाद क़स्ा और फिर दास्तान का आंसर हुआ इसके साथ साथ हिकायत, फसाना और कथा का आंसर भी इंसान की जिंदगी में दाखिल हुआ दास्तान की शराइ मुख्तलिफ माहरी ने दास्तान के कुछ शराइ बयान किए हैं जो दर्जेल में शामिल हैं अब्दुल हलीम शर्र ने दास्तान निगारी के चार शराइत बताई हैं इश्क और आयारी और ख्वाजा इमाम असर दहलवी ने दास्तान की पांच शराइत बताई हैं देख लेते हैं वो पांच शराइत कौन कौन सी है पहली है दास्तान का तवील होना कानों पर बोझ ना होना जबान में लताफत और बयान में फसाहत होना इबारत का मुश्किल ना होना उसमें जो वाक़ बयान किए जाएँ उनका हकीकी मालूम होना दास्तान के इधवार दास्तान को तीन इधवार में तकसीम किया गया है पहला दौर है सोलह सौ पैंतीस से सत्रह सौ निन्यानवे तक शुमार किया जाता है जिसमें वजही ने सब्रस सोलह सौ पैंतीस में लिखी और मीर आता हुसैन तहसीर ने नोतरज मस सोलह सौ पिचहत्तर में लिखी और हैदरब्श हैदरी ने महरुमा महर अठारह सौ निन्यानवे में लिखी फिर दूसरा दौर दूसरे दौर की बात करें तो दूसरा दौर सन अठारह सौ से अठारह सौ पैंतालीस तक शुमार किया जाता है और दूसरा दौर फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर का है जिसमें दर्जेल दास्तानें लिखी गई हैं मीर अमन की मशहूर दास्तान बागो बहार तो मीर अमन ने बागो बहार लिखी अठारह सौ तीन में और हैदर बख्श हैदरी ने लिखी आराइश महफिल अठारह सौ एक में और खलील अली ख़ा अश्क ने लिखी अमीर हमज़ा अट्ठारह सौ दो में मीर शेर अली अफसोस की बाग उर्दू है जिसको अठारह सौ दो में लिखा मीर बहादुर अली हुसैनी की अखलाक़ हिंदी है जिसको अठारह सौ दो में लिखा और इसके अलावा मीर शेर अली अफसोस की ही नसर बे नज़ीर है जिसको अठारह सौ तीन में लिखा फिर दास्तान का तीसरा दौर शुरू होता है इसमें रज़वाली अली बैग सुरूर ने फसाना अजयब लिखी अठारह सौ चौबीस में और आलम अली ख़ान ने ख़याल लिखी उन्नीस सौ चवालीस में और सैयद मोहम्मद हुसैन जहाँ ने तलसम होशरुबा लिखी और मीर तकी ख़याल ने बोस्तान ख्याल लिखी तो इस तरीके से आप दास्तान को लिख सकते हैं दास्तान में आप इतना लिख सकते हैं ठीक है मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए शुक्रिया